सबसे पहले तो ट्रेडिशनल लुक में बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। आई थिंक आज तक मैं किसी भी ऐसी लड़की को नहीं मिली हूँ जिनको ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है। आजकल तो लड़के भी ज्वेलरी पहनते हैं, काफ़ी काफ़ी देखने में आता है, गोल्ड चेन्स वगैरह लड़कों को भी शौक है, ब्रेसलेट्स वगैरह पहनने का। तो आई थिंक मेरे लिए ज्वेलरी सिर्फ एक ऑर्नमेंट नहीं है कि आप अपने आप को सजाओ संवारो, मेरे हिसाब से वो एक इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे भी दो छोटे बच्चे हैं एंड आई थिंक सबके ज़िंदगी में एक मुकाम होता है कि आप अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बहुओं के लिए आप ज्वेलरी कलेक्ट करो या शादी की सोचो। तो एक ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है ज्वेलरी कि आप अभी ख़रीदो तो 20 साल बाद, जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन सोना होती है और सोना सोना होता है, तो 20 साल बाद वो और भी इतनी दुगनी महंगी हो जाएगी, कभी कभी हाथ में नहीं आए। तो आई बिलीव कि ज्वेलरी इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्ट करो और आगे फिर पछताना ना पड़े। अच्छा, आज की जो ज्वेलरी है उसके बारे में क्या कहेंगे, जो आपने ईयरिंग पहनी? ये एक्चुअली मैं एंडोर्स कर रही हूँ पीएन गडगिल को, तो उनकी ज्वेलरी पहनी हुई हूँ। और पीएन गडगिल भी एक ऐसा ही ब्रांड है जो बहुत ही इनोवेटिव है और मेरे हिसाब से सबके बजट में जो बैठता है उनके हिसाब से वो चलते हैं। आज की जो रात है वो आप जानते हैं कि इट्स दी इंडियन रिटेलर्स अवार्ड नाइट, ज्वेलरी रिटेलर्स अवार्ड नाइट। ये अपने आप में ही आई थिंक इंडिया के ज्वेलरी ऑस्कर्स है, क्योंकि ये एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ गुड, क्योंकि जब ज्वेलर्स ही एक आपस में एक कंपेटिटिव स्पिरिट रखते हैं तो एक बेस्ट काम निकलता है सबका। जैसे हम आर्टिस्ट भी बहुत कोशिश करते हैं कि चलो यार इस फिल्म में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दो कि शायद अगले साल अवार्ड मिले, तो आई एम श्योर इन लोग भी ऐसी ही मेहनत करते हैं कि अच्छे डिज़ाइंस निकालें और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दें, तो आई थिंक हम कंज्यूमर्स के लिए ही अच्छा है। तो आगे दूसरी टॉपिक पे चल, कोई बात नहीं। अभी मेरी नेक्स्ट रिलीज होगी शब, जो ओनिर ने डायरेक्ट की है। इट्स लाइक अ लव स्टोरी, थ्रिलर काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, ह्यूमन ड्रामा एंड इंटरेस्टिंग है। ओनिर बहुत अलग तरीके की पिक्चरें बनाता है, तो और एक पुराने मित्र भी हैं, तो मज़ा आया उनके साथ काम करने में। जी हाँ बिल्कुल। फ्रीडम आपके लिए क्या है? आई थिंक फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है कि आजकल की जनरेशन इतनी वैल्यू नहीं करती है जितने हम सोचते हैं। वो जो जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो लड़ लड़ के अपनी जान मिटा गए हम लोगों के लिए, आई फील हमको ज़्यादा थोड़ी वैल्यू करनी चाहिए। जहाँ तक कि हमारे देश का सवाल है, हम सब समझते हैं हाँ देश का प्रॉब्लम है यार, हमारी ज़िंदगी को तो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा ना, चलो होने दो। वो एक गलत एटीट्यूड है जो आज की जनरेशन में कहीं कहीं नज़र आती है। आई फील हर एक अगर ये सोचने लगे कि जो देश की प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है और मुझे भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और मुझे भी उठ के उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, तो आई फील ये देश बहुत ही सुधर जाएगा। कुछ विशेष देना चाहेंगे आप? इतना भाषण दे दिया और मैं क्या बोलूँ। अच्छा हाँ, वो तो बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सबको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सो मच। Jet Gems with Emeralds by Gemsmere. I think it's a very innovative award show and it's been there for, I think this is the 11th time. So I'm really excited, it's my first time here and I've seen some amazing designs, so I'm quite excited to see who the winners are. What is your favorite jewel? My favorite jewel is the diamond, and I think I like the jewelry which my mom gifted me most because I have a sentimental value. But also the jewelry I buy myself, I really, really enjoy buying jewelry because it's, after a long time of work, you can afford a piece of nice jewelry. It's a really amazing piece. Yeah,
Yeah, I've just started my NGO. It's called Seams for Dreams, and it uses fashion for a good cause. And actually, I'm doing an amazing event with Vogue at the end of this month. So I'm really excited to announce more about this next week. And you can donate your own clothes to Seams for Dreams. Thank you. I believe I'm wearing Anmol Jewelers and Gemfields rubies. I like rubies. I have a few of them. I've never worn something. For me, this is heavy. So it's a really delicate, it's a really beautiful set. And I like the delicate earrings. So I'm really liking it. It's a good piece of work. Really nice. Tell us something. What are you expecting from me? A lot of diamonds. A lot of... I'm expecting basically glamour, fun, beauty, lot of shining, glitterati, stardust, yeah. So fun basically. I think award show बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कोई भी piece of jewellery में decide करने के लिए खासकर एक लड़की के लिए या किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है. Every gem, every piece of jewellery, हर आदमी की एक creativity होती है. तो अगर किसी ने बहुत अपनी creativity डाल के एक certain piece बनाया है, I'm sure judge करने के लिए कि कौन सा piece बेहतरीन है, बहुत मुश्किल है. So smiley, what's going on the professional front? Well, on the professional front, we just finished Naj Paliye. There is something coming up. Hopefully, right now I'm just working on myself, losing some weight and coming back in a new avatar. So definitely can we win? Will we see you any specific? Yes, you will. You will see a lot of me soon. I promise. Thank you. Thank you so much.
Yes, yes. As women love jewelry, I am no different. I'm wearing these jewelries, beautiful. There's this earring, the neck piece, and the handcuff. All of these green emeralds are set by the Gemfield gemstones. So pretty excited about this event, and there are a lot of awards which will be, really great to see who wins. So pretty excited. Any memorable jewelry? I'm not wearing right now, but one memorable jewelry that I had was when I passed my 10th board exams. My family gifted me a diamond ring, so that was really, really special for me. Is there any upcoming projects? It's not official yet, so I wish I could share it with you, but soon. Thank you. You know, I'm an Indian woman and we love jewelry. We can't do without our jewelry. So I'm looking forward to some spectacular designs winning. I'm just going to go and have a look and see some of the other displays. I'm wearing something by Jet Gems, and it's an exquisite piece of jewelry. Thrilled to be here. Tiska ji, aap kis tarah ki jewelry pehenna pasand karte hain? Jaise ki hum yahan par dekh rahe hain ki aapne earrings pehni hai lekin necklace mein kuch nahi pehna. To aap kis tarah ki jewelry real life mein pehenna pasand karte hain? I think you should have one piece and it should be striking. बहुत ज़्यादा क्रिसमस ट्री भी बनने की ज़रूरत नहीं है कि हर जगह से कुछ ना कुछ चिपकाया हुआ है. आई लाइक टू वेयर वन स्टेटमेंट पीस, एक अच्छा पीस. दैट्स वॉट माई स्टाइल स्टेटमेंट इज. माई फेवरेट ज्वेलरी इज आई थिंक रिंग्स. आई लव रिंग्स. या एनी मेमोरेबल ज्वेलरी जो आपको मिली हो आपके मम्मी से या फिर किसी से? जी, मेरी मदर ज्वेलरी की बहुत शौकीन है, तो उनके कई सारे एंटीक पीसेज हैं जो मेरे पास हैं एंड आई वेयर देम. मेरी मदर इन लॉ से मुझे कंगन मिले हैं बहुत खूबसूरत, विच आई थिंक टीवी सीरियल्स ने उनका नाम ख़राब कर दिया है कि कंगन का बहुत पॉलिटिक्स होता है उसके पीछे, बट आई गॉट देम फॉर माई वेडिंग एंड आई लव वेयरिंग देम. क्या चल रहा है? Well, I am looking to produce a film. ये चल रहा है. So I'll be inviting you all to a press conference and I hope all of you will come soon. Yeah, so that's what's going on now. But I have 5 or 6 releases coming up in the year. I think you know Highway, then there's Secret, Ram Gopal Varma's, then there's Ghayal once again, then there's Kaak Sparsh, and then there's Love Shuda. So there's 4 or 5 films coming up this year. Tiska, the nation is going to celebrate Independence Day. Any wishes for you?
यस आई थिंक हमने एक फिजिकल सेंस में इंडिपेंडेंस पा लिया है बट मेंटली अभी स्पेशली द मेन ऑफ दिस कंट्री हैव नॉट अचीव्ड इंडिपेंडेंस दे स्टिल ट्रीट वुमेन लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड दैट्स अ प्रॉब्लम वी रियली स्पेशली अप नॉर्थ महाराष्ट्र में इतना बुरा हाल नहीं है बट अप नॉर्थ इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम सो आई थिंक दैट आज़ादी फॉर वुमेन इज़ अ कॉन्सेप्ट मोर देन एन एक्चुअलिटी थैंक यू सो मच। जैसे कि हम सब जानते हैं डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड बट आई एम मोर ऑफ अ कुंदन पर्सन मुझे जो कुंदन और जयपुर की जो मीनाकारी वर्क होता है उसका ज़्यादा शौक है बिकॉज आई थिंक आई हैव समथिंग मुझे रॉयल्टी से बहुत प्रभाव है सो आई रियली लाइक दैट सो आई थिंक कुंदन इज समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक मेरी दादी माँ एक्चुअली उनके पास एक रूबी और डायमंड की रिंग तो आई थिंक शी वॉज जस्ट वेरी लाइक शी वॉज ऑन अ डेथ बेड एंड तभी उन्होंने मुझे वो रिंग दी थी और आई थिंक वो एक ही मेमोरी है उनकी जो मेरे साथ है सो ऑटोमेटिकली वो रिंग मेरे दिल के बहुत करीब हो गई सो आई केप्ट इट मैं पहनती भी नहीं हुआ मैंने उसको संभाल के रखा है बिकॉज अगर गुम गई तो वो चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी वेल मेरी मूवी आ रही है 25 सितंबर को किस किस को प्यार करूँ अब्बास मस्तान से डायरेक्ट कर रहे हैं कपिल शर्मा हीरो है और अभी 13th of this month, 13th August को ट्रेलर लॉन्च है सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इट वॉज अ फन शूट एंड आई होप आपको भी वो फिल्म पसंद है कपिल इज़ टू फनी आई मीन वो जो शो पे जितनी मजाक करते हैं उतनी ही रियल लाइफ में भी वो फनी है एंड उनके साथ ऐसा होता था कि वो इम्प्रॉम्प्टू बहुत चीज़ें करते हैं ऑन द सेट बहुत चीज़ें इम्प्रोवाइज कर लेते हैं तो आपको हमेशा यू हैव टू बी वेरी अलर्ट क्योंकि लाइन्स कुछ और होती हैं और वो इम्प्रूव कर कुछ और बोल देते हैं सो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग बिकॉज वो फिर थोड़ा नेचुरल टू एंड फ्रो डायलॉग हो जाता है रादर देन बींग स्क्रिप्टेड सो इट वॉज टू मच फन वर्किंग विद हिम वेल इट्स अ कॉमेडी फिल्म एंड कपिल शर्मा है तो इट हैज़ टू बी कॉमेडी एंड अब्बास समस्तान सर की ने ये कॉमेडी आई थिंक वो इतनी फिल्में करते नहीं हैं सो दिस इज़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट इवन फॉर देम एंड वॉट एवर आई हैव सीन ऑफ द फिल्म वॉट एवर आई नो ऑफ द फिल्म इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड इतनी मज़ेदार फिल्म बनी है ना मैं एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ आप फिल्म देख के खुद बोलेंगे कि बहुत अच्छी फिल्म है थैंक यू I'm looking forward to firstly present an award. Jewelry is really important, like it can make or break your outfit. And as of now, I'm wearing Anmol earrings by Anmol Jewelers, set with Gemfields rubies. And yeah, looking forward to this show. Presenting an award, I think, just now. Well, I like really simple and minimalistic jewelry because I think less is more always. You know, with this outfit, this was the only earring I think that brought it completely out. So, like I said, jewelry is important, and it can make or break your outfit. Shazad, tell us about your outfit. It's looking catchy. So, tell us about it. Thank you. I thought since it's a jewelry event, you know, it'll be cool to dress up in Western attire and then add jewelry to it. So, I think it's a lot of power dressing, and I love what I'm wearing, and I feel really nice. Any upcoming projects you want to show? Yeah, I'm a part of Great Brand Masti. I've signed that film and I've already shot for the film in Rajkot for around 6 days. And I'm also doing Praval Raman's next film called Haunting of Bombay Bills. Independence Day aane wala hai, aapke liye freedom kya hai? Mere liye freedom ye hai as a girl especially ki I can
I'm independent, I'm financially independent, I don't depend on anybody, and I can freely walk around wherever I want to, I can buy what I want to, and I don't depend on anybody. That's what is independence for me personally. Thank you so much. Thank you. यहाँ में सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। और टेल अस अबाउट योर आउटफिट फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, थैंक यू सो मच। और जस्ट फील लाइक अ डेजा व्यू, क्योंकि पिछली बार भी मैं हिस्सा रह चुकी हूँ इंडियन रिटेलर जूलर्स अवार्ड का, विच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस आई फील। एंड आज जो मैंने पहना है, इट्स अ मोमेंट कट गाउन विच माय स्टाइलिस्ट संजना, शी स्टाइल मी फॉर दिस। एंड एज ऑलवेज वेरी मिनिमल ज्वेलरी, विच इज़ डायमंड, इट्स एन इन्फिनिटी रिंग एंड जस्ट सम शैम्पेन इयररिंग्स एंड दैट्स इट। कोई मेमोरेबल ज्वेलरी जो आपको मिली हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, वो है मेरी नानी ने मुझे दी थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में हुई थी। आई थिंक आई स्कोर्ड रियली वेल इन 8th स्टैंडर्ड। तो वो जो छोटी सी यू नो दोस झुमकीज, दोस लिटिल गोल्ड झुमकीज है, ठीक है, सो आई स्टिल हैव देम एंड आई स्टिल वेयर देम, स्पेशली जब मैं उनसे मिलती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो या जेम माई सेल्फ, आई एम अ जेम, अ जेम ऑफ अ पर्सन। What's going on the professional front? जी, अभी बस लास्ट कैट बचा है सनम रे का, एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम लोग वो कैलगरी में शूट कर रहे हैं, और आई थिंक मैं कभी गई नहीं हूँ कैनेडा में, माई फर्स्ट विजिट, और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस मूवी के हम लोग वहाँ पे शूट करने जा रहे हैं एज अ लास्ट कैट। उसके बाद मूवी विल स्टार्ट विद द पोस्ट प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर रिलीज इन वैलेंटाइंस। फ्रीडम, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। I think we always talk about freedom. I think the day we start realizing that freedom is not just about what I want to do or what I can do, but also the fact what am I supposed to do as my duty, where it goes hand in hand, I think that is what freedom in real sense will experience. So any wishes you want to give to the people? Absolutely. I think it's a very prestigious day, and I think we can add more to this day by making sure that the rest of the 364 days are also celebrated in the same spirit in every smallest possible way. Thank you so much. Yeah.